कतान और तयाक प्रशांत महासागर के मध्य में दो आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड्स पर आने जाने का एकमात्र साधन है बोट्स, इसलिए दावेदार जब तक बाहर जाने की सहायता नहीं मांगेंगे बाहर नहीं जा सकते। तयाक और कतान के पानी में जहरीले समुद्री सांप वालू वालू भी मौजूद हैं। वालू वालू का मतलब है आठ आठ, यानी आठ सेकंड, आठ मिनट या आठ घंटे में असहनीय दर्द के साथ मौत। कतान ट्राइब के सभी लोग एकजुट होकर प्रोड्यूसर्स के खिलाफ खड़े हो गए और धमकी देने लगे कि अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो वो इस शो को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन क्रू के समझाने पर वो उनकी बात मान भी गए और शांत भी हो गए। सर्वाइवर के सफर में मुसीबतें हजार हैं, लेकिन आम जिंदगी की एक भी सुविधा मौजूद है, इसलिए जो भी सामान काम का नजर आया दावेदार उसे चलाने से बाज नहीं आए, चाहे वो फिशिंग नेट्स हो, ओढ़ने की चादर या खाने की कोई भी चीज। अदला बदली के बाद तयाक ने होशियारी से तीन बार अपने पानी के कुएं की जगह भी बदल दी। वो सांप के डर से कुएं को उठाकर अपने कैंप के पास ले आए, लेकिन क्रू ने उन्हें ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी और कहा सांप हो या बिच्छू पानी उन्हें वहीं से लेना होगा। सर्वाइवर के सफर में दावेदार कई तरह के मानसिक दौर से गुजरते हैं। ऐसे में जब वो इस खेल से बाहर होते हैं तो उन्हें फिर से आम जिंदगी से जुड़ने के लिए हमारी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। जिमी नारंग, जो कई होटलों के मालिक हैं और लाखों लोगों को रोज खाना खिलाते हैं, उन्होंने इस शो का हिस्सा बनने के लिए खुद पहल की, क्योंकि जिंदगी का जो अद्भुत अनुभव सर्वाइवर में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। सभी दावेदारों के परिवारजन उनकी सेहत और सलामती के लिए बहुत चिंतित थे। उनके बार बार आने वाले फोन्स की वजह से एक आदमी को विशेष तौर पर इस काम के लिए रखा गया, जो सबसे बात करे और उन्हें दावेदारों की सही खबर दे, क्योंकि सर्वाइवर के सफर में दावेदारों को इस बात की अनुमति नहीं कि वो अपने घर पर भी फोन कर सके। टिमी की वाइफ ईशा कोपिकर और जेडी का परिवार करीब करीब रोज उनकी खबर लेने को बेचैन रहा करते थे। पायल के कपड़े समुंदर की तेज लहरों के साथ बह गए थे, उसके बाद उनके पास सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े बचे थे। कपड़ों के लिए उन्होंने हमारे क्रू से गुहार की, लेकिन इस शो के कड़े नियम इस बात की इजाजत नहीं देते। आखिरकार उन्हें एक ही जोड़ी कपड़ों में सर्वाइव करना पड़ा। सर्वाइवर के हर एक चैलेंज को तैयार करने में 4 से 6 दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जहां अमेरिका से आया हुआ क्रू ये सारे चैलेंजेस डिजाइन करता है, वहीं अर्जेंटीना से आया क्रू इस बात की कड़ी जांच करता है कि चैलेंजेस जितने मुश्किल हैं उतने ही सुरक्षित भी हों। सुनसान आइलैंड अयुनान की तकलीफों से दावेदार इस हद तक टूट गए थे कि उन्हें प्रार्थना का सहारा लेना पड़ा। तेज तपती धूप में रहने के कारण बहुत से दावेदारों की स्किन जल गई। ऐसे हालात में उनकी हालत इतनी बुरी हुई कि उन्हें मेडिकल सहायता लेनी पड़ी। सर्वाइवर इंडिया की शूटिंग के लिए खास तौर से एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को साउथ अफ्रीका से बुलाया गया, ताकि वो शूटिंग के दौरान खतरनाक जीव जंतुओं को संभाल सकें। वो प्रतियोगियों और कर्मचारियों की सलामती का भी ध्यान रखता था। मुर्गे को मारने के बाद माइकल भूख से इतना बेहाल थे कि उन्होंने मुर्गे की आंख और अंतड़ी भी खा ली। ये देखकर दूसरे दावेदारों को घिन आ गई, पर माइकल ने परवाह नहीं की। अभिनव को एक जहरीली बॉक्स जेलीफिश ने काट लिया था और इसी वजह से वो बहुत दर्द में थे। शीघ्र मेडिकल सहायता मिलने के कारण उनकी जान बच गई। बाहर निकाले गए प्रतियोगी अपने कुछ कपड़े हमेशा कैंप में दूसरे प्रतियोगियों के लिए छोड़ जाते थे। सारे प्रतियोगी एक दूसरे के कपड़े शेयर करने लगे, जैसे कि शिल्पा सिल्वी के कपड़े पहनने लगी। फिलीपींस के कैरामोन आइलैंड्स पर साइक्लोन आने का खतरा बना रहता है। इस बार आया भयानक तूफान जुआनी ने भारी लापरवाही मचाई और लगभग 100 लोगों की जान चली गई। सर्वाइवर के दावेदारों के साथ हमारे क्रू के सदस्य भी इस जानलेवा तूफान में फंस गए। बाहर जाने का एकमात्र सहारा सिर्फ स्पीड बोट्स थे, लेकिन 10 फीट ऊंची समुद्री लहरों में इन बोट्स को उतारना खतरे से खाली नहीं था।
36 घंटे से लगातार बारिश में भीगते हुए दावेदारों के शरीर का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगा। ऐसे में उनकी किसी भी तरह की बीमारी से बचाने के लिए हमारे क्रू के डॉक्टर्स ने रेनकोट उपलब्ध करने की सलाह दी। तूफान का कहर जितनी तेजी से फैला उतनी ही तेजी से इसकी खबर सदस्यों के घर वालों तक पहुंच गई और वो अपने रिश्तेदारों की खैर खबर लेने के लिए बेचैन हो गए। लेकिन संचार के सभी साधन साइक्लोन की वजह से ठप हो गए और वो प्रोड्यूसर से संपर्क नहीं कर सके।